अब चलते हैं कि संत पाँच प्रकार के संधियों को आपको बताया गया है तो समस्त संधियों पर विचार नहीं किया जा सकता बहुत लंबा कथन होगा इसके लिए बहुत लंबा समय भी चाहिए होगा तो आज मैं आपको केवल स्वर संधि के संदर्भ में थोड़ा सा ज्ञान करवा देता हूँ तो संधि किसे कहते हैं हमने यह जान लिया संधि वर्णों के संदर्भ में होती है यह भी जान लिया संधि के कितने भेद हैं हमने यह भी जान लिया दूसरा संधि के लिए आवश्यक तत्व तो है वर्ण यह भी हमने जान लिया अब आता है कि जो स्वर संधि के भेद किए गए हैं उन भेदों में प्रथम संधि है स्वर संधि प्रश्न होगा स्वर संधि किसे कहा जाए सबसे पहले यही प्रश्न होगा कि स्वर संधि की पहचान क्या है लक्षण क्या है परिचय क्या है तो इसका परिचय है कि स्वरों स्वर कौन कौन से हैं संस्कृत के हिसाब से यदि देखें तो अच स्वरों को अच कहा जाता है या अचों को स्वर कहा जाता है अच यह प्रत्याहार है और अच प्रत्याहार चौदह माहेश्वर सूत्रों से लेकर के बना हुआ है इसकी समस्त जानकारी आप मेरे यूट्यूब चैनल पर लघु सिद्धांत कौमुदी नाम का जितने भी एपिसोड है वहाँ देख सकते हैं तो इस तरह से जो अच है वह स्वरों का प्रतिनिधित्व करता है संस्कृत के हिसाब से स्वर आते हैं अ उ ओ ऐ और इनके समस्त सवर्णी इनके समस्त सवर्णी यानी अ आ, आ, आ इतने सब प्रकार के इनको स्वर कहा जाता है और हिंदी के हिसाब से समझना हो तो अ आ ई री 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 ली, ली, ली। ए आ, 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 आौ, आौ, अंग अह ये ये स्वर स्वर हैं हैं तो इन इन स्वरों का ये स्वर जब आपस में मिलते हैं और इन आपस में में मिलते और मिलने के बाद इन दोनों में जो परिवर्तन होता है उसका नाम है स्वर संधि उसका नाम है स्वर संधि अब ध्यान दीजिए यहां पर देखने वाली बात है कि परिवर्तन भी तीन प्रकार से होता है यह परिवर्तन तीन प्रकार से होता है अब ध्यान दीजिए संधि कहते हैं दो के जोड़ को तो जब दो व्यक्ति आपस में मिलेंगे तो उन पर परिवर्तन की तीन संभावनाएं होंगी तीन संभावनाएं होंगी वह तीन संभावनाएं क्या है हो सकता है दो वर्ण मिलें मान लीजिए कि मैं आ हूं और आप जो दर्शक देख रहे हैं वह ई हैं अब हम दो जब मिलेंगे तो हम दोनों के मिलने से तीन प्रकार के परिवर्तन की संभावनाएं हो सकती हैं वो तीन प्रकार के परिवर्तन क्या हैं हो सकता है कि मुझ में परिवर्तन आ जाए आपके और मेरे मिलने से आप इतने प्रभावी हो कि परिवर्तन मुझ पे लक्षित हो परिवर्तन मुझ पे दिखाई दे तो यह एक संभावना यह हो सकती है कि परिवर्तन मुझ में आए दूसरा क्या हो सकता है हो सकता है दूसरे में परिवर्तन आए अर्थात में परिवर्तन ना आए लेकिन मेरे कारण उस परिवर्तन आ जाए तीसरी संभावना हो सकती है कि दोनों में ही परिवर्तन आ जाए तो इस तरह से जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनके तीन परिवर्तन के तीन संभावनाएं हैं यह संभावना है कि उन दोनों वर्णों में से एक वर्ण को परिवर्तन हो दूसरी संभावना यह है कि उन दोनों वर्णों में से दूसरे वर्ण का परिवर्तन हो या तीसरी संभावना यह है कि दोनों को परिवर्तन होकर के नया ही कुछ हो जाए तो यह संधि में होता ही है तो इस बात का ही बच्चों को ध्यान देना है और यही बात समझनी है यह गूढ़ है हम संधि तो पढ़ जाते हैं परंतु इस प्रकार का वक्तव्य बहुत कम देखने को मिलते हैं बहुत कम लोग समझाते हैं हमने भी इतनी उम्र गुजार ली है यह बात हमें बहुत कम लोगों ने समझाई है आप संधि संबंधी कितने भी वीडियो उठा करके देख लीजिए कितने भी वक्तव्य सुन लीजिए यह बात बताने वाले बहुत कम लोग हैं क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि उनको पता नहीं है दरअसल एक शिक्षक जितना कुछ जानता है वो सबके सब अपने जिह्वा से जिह्वा पर नचा करके उसे बोल दे यह संभव नहीं हो पाता हमारे पास एक चुनौती होती है एक सीमित समय होता है उस सीमित समय में ही हमें बच्चों को ज्ञान करवाना होता है हमें यह लगता है कभी कभी कि बच्चा सीख गया है तो हम सारे अंश तक नहीं पहुंच पाते भगवान की कृपा सरस्वती की कृपा जिस जिह्वा पर होती है वो बता देती है तो तो इस तरह से तीन संभावनाएँ होती हैं तो यहाँ स्वर संधि भी स्वर संधि में भी तीन संभावनाएं हैं इन्हीं संभावनाओं को लेकर के हमें संधि स्वर संधि का विमर्श करना है तो स्वर संधि के विमर्श में हमने यह जान लिया कि स्वर संधि कहते किसको हैं तो प्रश्न होगा क्या इसके भी कोई भेद हैं अर्थात जिस प्रकार से स्वर के भेद स्वर संधि जिस प्रकार से संधि मात्र के भेद किए गए थे उसी प्रकार से क्या संधि के भी भेद हैं तो कहा कि हाँ बंधु हैं तो संधि प्रकरण में मुख्य संधियां सात हैं और इस प्रकरण में कुछ दो नए प्रकरण भी आते हैं कुछ दो नए प्रकरण भी आते हैं तो इसको बताते हुए चलता हूं मैं आपको विवेचन करना है सबसे पहले कि जितने भी हमारे पास क्या हैं स्वर हैं स्वर कितने हैं नौ हैं तो सीखने का एक ढंग यह है कि आपको एक एक करके बता दिया जाए सीखने का ढंग क्या है कि आपको एक एक करके बता दिया जाए दूसरी बात यह है कि आपको प्रैक्टिकल करवाया जाए दूसरी बात क्या है कि आपको प्रैक्टिकल करवाया जाए तीसरी बात यह है कि आपको एक एक करके उसके उदाहरण बता दिए जाए तो पहला तरीका तो आपको मैं यही कहना चाहूंगा कि पहले सुन लीजिए उसके बाद जो कला दी जाएगी उस कला के माध्यम से आप बैठ के परस्पर उनका विचार कीजिए ताकि आपको संधि करना आ जाए उसके बाद जितना आपने सीखा है उस सीखे हुए से उसका नामकरण को पता कर लीजिए तो आइए सबसे पहले आपको सिखाते हैं तो सबसे पहले सिखाने में इसके भेदों को स्पष्ट कर दें पहला भेद है यण संधि दूसरा भेद है अयादि संधि तीसरा भेद है गुण संधि चौथा भेद है वृद्धि संधि पांचवा भेद है दीर्घ संधि छठा भेद है पर संधि और सातवां भेद है पूर्व रूप संधि तो ये सात मुख्य संधियां हैं स्वर संधि के अंतर्गत सात संधियां मानी जाती हैं स्वर संधि में और मैंने आपको कहा था टोटल नौ हैं। नौ इसलिए कहा था कि इसी स्वर संधि के अंतर्गत लघु सिद्धांत कौमुदीकार प्रकृति भाव को भी रखते हैं यदि तीन संधियों को माना जाए तो प्रकृति भाव भी इसी के अंतर्गत आता है क्यों क्योंकि स्वर संधि की संभावना में ही प्रकृति भाव संधि का उपस्थापन होता है तो स्वर संधि के अंतर्गत यदि संधियां तीन मानी जाएं और तो स्वर संधि के अंतर्गत ही प्रकृति भाव को समाहित किया जा सकता है दूसरा यह है कि जब संधि का प्रकरण शास्त्रों के प्रसंग में होता है तो यहाँ द्वित्व भी होता है तो मैं जब पढ़ाया करता हूँ तो मैं यहाँ द्वित्व को भी एक प्रकरण बना देता हूँ कि यहाँ जो वर्णों का वर्णों में द्वित्व होता है द्वित्व द्व्यित्व होने का जो भाव है वह भी इस प्रकरण के अंतर्गत आता है किंतु तो प्रकरण को छोड़ करके यदि स्वर की संधियाँ हैं तो वह हैं सात संधियाँ कौन कौन सी एक बार दोबारा कह देते हैं यण संधि अयाज संधि गुण संधि वृद्धि संधि दीर्घ संधि पररूप संधि और पूर्व रूप संधि इस तरह से स्वर संधि के अंतर्गत सात संधियां आती हैं